ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का प्राज्ञा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। करंट विद कॉन्सेप्ट की क्लास दोस्तों सुबह 6 से 7 होती है और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखना पड़ेगा। देखिए मैं आपसे बार बार बोलता आया हूँ और आगे भी बोलूँगा कि जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कल की जो न्यूज़ में अपने पास में न्यूज़ आई थी, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो वो आज आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और उसके ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लास्ट आइस एरिया अंतिम हिम क्षेत्र का कहाँ स्थित है। ठीक है, अंतिम हिम क्षेत्र कहाँ स्थित है, ध्यान रखिए कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे आज की तारीख में। आपको क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ स्थित है, तो यह है आर्कटिक क्षेत्र में साहब। क्या है? आर्कटिक क्षेत्र में। देखिए द लास्ट आइस एरिया के बारे में कुछ मैं आपको बता दूँ, ये अपने पास में ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित एक जगह है, पूरा बर्फ से ढका हुआ एक क्षेत्र था, लेकिन इसको हाल ही में देखा गया कि यह पिघल रहा है बहुत तेजी से। कारण क्या है इसका? इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले तो कारण इसका देखेंगे तो क्या है अपने पास में, ग्लोबल वार्मिंग और वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो दोनों इसके बेसिक कारण हैं। पहली बात तो हम ये जानेंगे। अब बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग होती है अपने पास में ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। अभी ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? देखिए, एक वायुमंडल में ऐसी गैसें जो क्या करती है, वायुमंडल का तापमान बढ़ाने का काम करती है। और ख़ास बात क्या है, CO2 जैसे हुई, मेथेन हुई और अपने पास में इवन वायुमंडलीय जो ओजोन होती है वो भी अपने पास में ग्रीन हाउस गैसें काम करती है। और ख़ास बात क्या है, देखिए सूर्य से जो ऊर्जा होती है उनको अवशोषित नहीं करती। खास बात देखिए आप, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ऐसा नहीं है सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको अवशोषित करती है, ऐसा नहीं है। जो पृथ्वी के अंदर जो तापमान होता है फिर वो बाहर निकलता है। यहाँ पे पृथ्वी का जो सतह है वो गर्म होती है, जब वो बाहर निकलती है तब उस गर्मी को इन ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो दैट्स वाई इनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है मैं काफ़ी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट आइस एरिया की, जो कहाँ स्थित है अपने पास में, आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। देखेंगे मैप के अंदर अपन कहाँ पर स्थित है लास्ट आइस एरिया। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल है। आप इधर देखेंगे पृथ्वी को ऊपर से देखेंगे, ये पृथ्वी को आप ऊपर से देखेंगे तब आपको यहाँ पर अपने पास में नॉर्थ पोल देखने को मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। तो हमने ऊपर से देख रहे हैं पृथ्वी को, ध्यान रखिएगा ऊपर से। जब ऊपर से पृथ्वी को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी, तो नॉर्थ पोल हमारा यहाँ पर देखने को हमें मिल जाएगा साहब, यहाँ पर हमें नॉर्थ पोल देखने को मिल जाएगा। अब खास बात क्या है, जो आपको ये एरिया दिख रहा है पूरा का पूरा ग्रीनलैंड के जो उत्तर में ये एरिया दिख रहा है, ये क्या पूरे पास में लास्ट देखेंगे इसको लास्ट आइस एरिया बोला जाता है। और जो नाम दिया गया, ठीक है, ये जो नाम दिया गया लास्ट आइस एरिया किसके द्वारा लिया गया, देखिएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कनाडा के द्वारा इसको यह नाम दिया गया, WWF कनाडा के द्वारा इसको यह नाम दिया गया। पूछा जा सकता है आपसे कि भाई जो लास्ट अपने पास में आइस एरिया है इसका नाम किसको दिया गया, तो कनाडा के द्वारा आपको दिया गया। बेसिक सी चीज़ क्या है, देखिए वैज्ञानिकों यह अनुमान था कि भैया जो ये एरिया है जिसमें अपने पास में देखने को मिल रहा है, यह क्या कह सकता है, काफ़ी सक्षम है ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, मतलब ये पिघलेगा नहीं जल्दी। उनका यह अनुमान था कि यह एरिया है जो जल्दी नहीं पिघलेगा, उनका अनुमान ये था, लेकिन यह अनुमान गलत साबित हो गया। और यह गुड मॉर्निंग तिवारी जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग तिवारी जी, आप कैसे हैं? तो बात करते हैं साहब, यह अपने पास में कहता है अनुमान था, वैज्ञानिकों का अनुमान था, लिखेंगे यहाँ पे कि वैज्ञानिकों का अनुमान था कि यह एरिया वैज्ञानिकों का अनुमान था कि यह क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग से पिघलेगा नहीं साहब,
पिघलेगा नहीं, ध्यान रखना, इनका अनुमान था लेकिन ये अनुमान का गलत साबित हो गया और ये बहुत जल्दी ही पिघल गया। उनको पता नहीं था कि इतनी जल्दी पिघलेगा, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगला बात देखते हैं जिसमें आप और इम्पोर्टेंट देखेंगे, और जो ग्रीष्मकालीन बर्फ है देखेंगे अपना अगला, और ग्रीष्मकालीन जो बर्फ है, ग्रीष्मकालीन जो बर्फ की चादर है, बर्फ है, उसका आइडिया था कि 2040 तक पिघलेगी, पिघलेगी, ठीक है, लेकिन बात करेंगे, लेकिन उसमें ही हमारे पास में लास्ट आइस एरिया आता था, ठीक है, ग्रीष्म वाली गर्भ का वो पता था कि 2040 तक पिघल जाएगी, लेकिन बाद में उसमें भी अपने पास में लास्ट आइस एरिया आता था, लेकिन लास्ट आइस एरिया जो हो गया जल्दी, मैं मानता था कि लास्ट आइस एरिया अपने पास में जल्दी नहीं पिघलेगा, लेट तक पिघलेगा, लेकिन वो अभी पिघल चुका। अब इसका महत्व क्या है साहब? देखिए बहुत महत्व है इसका, बहुत ज़्यादा महत्व है जैव विविधता के तौर पर, बहुत ज़्यादा महत्व है। कैसे? देखिए वहाँ पे सील्स होते हैं, एक प्राणी होते हैं अपने पास में सील्स, ठीक है, वहाँ पर वो आते हैं प्रजनन के लिए, बच्चे बच्चे जन्माने के लिए, तो अपने पास पोलर बियर है, क्या करते हैं उनका शिकार करते हैं, खाना पीना उनको वहीं से मिलता है, ठीक है। अब जब ये एरिया ही नहीं रहेगा, जब यहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र पर यहाँ पर आएंगे ही नहीं, जब ये पिघल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर बेस नहीं मिलेगा उनको बैठने के लिए, जब बेस ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे वहाँ पर, यहाँ पर आ ही नहीं सकते पहली बात तो, ठीक है। तो इसके पास जैव जैव अपने पास देखेंगे तो उसके काफ़ी सारे अपने पास कार्बन मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं और थोड़ी बात करते हैं, और इसमें देखेंगे आप आगे जाकर देखने को मिलेगा, इसमें अपने पास लास्ट आइस एरिया के अंदर, लास्ट आइस अपने पास एरिया में आप देखेंगे कि पिघल क्यों रहा है, तो इसका 80% जो रीज़न है, 80% रीज़न है वो अपने पास में देखने को मिलेंगे, वहाँ का मौसम, वहाँ के मौसमी हवाएं, मौसमी हवाएं ये क्या करती हैं, मौसमी हवाएं जब ये चलती हैं तो बर्फ़ को फैला देती हैं, चारों तरफ फैला देती हैं, जब बर्फ टूट के फैल जाती है तो क्या धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देती हैं। और 20% इसका रीज़न आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग जो निरंतर चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग इसका रीज़न देखने को मिलेगा। तो आप बेसिकली आपसे यहाँ पे से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि लास्ट आइस एरिया कहाँ स्थित है, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ का कन्फ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे अंटार्कटिका का नाम ले सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट आइस एरिया पेंगुइन में तो ही मिलते हैं ना, कुछ पेंगुइन अपने पास अंटार्कटिका में मिलते हैं साहब, ठीक है, पेंगुइन आपको देखेंगे आप अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं अपने पास में, अब इसका नाम किसके द्वारा दिया गया, लास्ट आइस एरिया का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो आपको देखने को मिलेगा लास्ट आइस एरिया का नाम अपने पास WWF कनाडा के द्वारा अपने को देखने को मिला है, ठीक है। दो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वैज्ञानिकों का अनुमान था कि भैया इतनी जल्दी नहीं पिघले गए, क्योंकि इन्होंने कहा था जो ग्रीष्मकालीन बर्फ है 2040 तक ये बिल्कुल एकदम पिघल जाएगी, हरी भरी हो जाएगी वहाँ पर ज़मीन, ठीक है, लेकिन उसमें ग्रीष्मकालीन बर्फों के अंदर क्या आता था अपने पास में लास्ट आइस एरिया आता था वो नहीं पिघलेगा, वो एक एक्सेप्शन मान लिया गया था, लेकिन वह भी अब चुप पिघल चुका है, ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। अब क्वेश्चन हमने कहा आंसर हम देख चुके हैं, क्वेश्चन हम इसका आंसर देख चुके हैं, अब देखेंगे अपन, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पुष्कर धामी को निम्न में से किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए इसका आंसर है उत्तराखंड, उत्तराखंड में कोई भी अभी रिसेंटली कोई सीएम टिक नहीं रहा है, तो अब पुष्कर धामी जी आए हैं, पुष्कर धामी जी, अब देखिए उत्तराखंड हम मैप पे देख लेते हैं, अब हम हिंदुस्तान के मैप पे उत्तराखंड को देख लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि किस उत्तराखंड किस किस के साथ पर सीमाएं बनाता है। बेसिकली आपको ये पुष्कर धामी जी हैं, ये पुष्कर धामी जी हैं, ये अभी रिसेंटली उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए हैं, ध्यान रखिए पुष्कर धामी जी। पहले हम उत्तराखंड की बात करेंगे साहब, उत्तराखंड किन किन राज्यों के साथ में सीमाएं बनाता है, तो उत्तराखंड देखेंगे हम हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, भारत की बात कर रहा हूँ अभी केवल मैं, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दूसरा आप देखेंगे तो कुछ सीमा इसके हरियाणा के साथ में बनती है, तीसरे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, बेसिकली देखेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे तो यह नेपाल के साथ में बनाता है और चीन के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है, उत्तराखंड, बिल्कुल तिवारी जी एकदम सही आंसर आपका उत्तराखंड, ठीक है। अगला बात करते हैं सब, ये है अपने पास में, अपने पास धामी जी, ठीक है, ये अपने पास में धामी जी है, इसमें दिख रहा है आपको इससे या फिर इससे, ठीक है, धामी जी हैं। अब बात करते हैं ये नए सीएम बनाए गए हैं उत्तराखंड के, अभी परसों ही, बिल्कुल परसों ही नियुक्त किया गया है ये हमारे पास, ये क्वेश्चन तो कल का है, कल जो क्वेश्चन रह गए थे उनमें से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा तिवारी जी। देखिए आपको मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि देखिए कोई भी न्यूज़ आई है, अगर मान लीजिए आज कोई न्यूज़ आई है तो कल आपको उसका क्वेश्चन मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं साहब, ये मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन हमारे लिए इनका मुख्यमंत्री बनना तो इम्पोर्टेंट है, चलो ठीक है, इनका नाम तो आप याद रख ही लेंगे, इसके अलावा अब हम मुख्यमंत्री के पद के बारे में पढ़ेंगे साहब, कि भैया मुख्यमंत्री का पद है इसको नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, ये क्या होता है और इसकी शक्तियाँ क्या क्या होती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पॉलिटिकल पर्पज से, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है, मुख्यमंत्री हेडिंग डाल लीजिएगा आप मुख्यमंत्री, ये तो आपको याद रखना है, धामी जी के बारे में तो उत्तराखंड के सीएम हैं, मुख्यमंत्री के बारे में हम पढ़ेंगे,
ठीक है, राज्य व्यवस्था के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मुख्यमंत्री, तो हम यहीं क्लियर कर लेंगे इसको। ठीक है, देखिए बात क्या है, राज्य का जो संवैधानिक मुखिया है, राज्य का जो संवैधानिक मुखिया है, संवैधानिक मुखिया, राज्य का जो संवैधानिक मुखिया है किसको बोला जाता है, राज्यपाल को बोला जाता है, राज्यपाल को बोला जाता है। और राज्यपाल ही क्या होता है अपने पास में, राज्यपाल ही राज्य का प्रथम व्यक्ति काउंट किया जाता है, प्रथम व्यक्ति देखेंगे तो राज्यपाल ही होगा। लेकिन अगर सरकार का मुखिया पूछेंगे, सरकार का मुखिया आपसे पूछा जाएगा तो वह मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, मुख्यमंत्री होता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि कैसा संविधान के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कुछ स्पेशल प्रोविजंस कहे गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लिखेंगे नियुक्ति के बारे में, लिखेंगे यहाँ पे नियुक्ति, तो इसमें लिखेंगे कि संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं, संबंध में विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। मतलब इतनी रिक्वायरमेंट जो थी वो सारी की सारी ऐसे कुछ जी। सर आपके पढ़ाने का प्लान बहुत अच्छा है, आपसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे देखते हैं, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विशेष रूप से कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिर्फ यह कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद, लिखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 164 के अंदर सिर्फ यह कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। बस सिंपल सा देख लीजिए आप यहाँ पे। अब आपको मैं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे, मुख्यमंत्री आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है, आपके यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, बस की नियुक्ति की जाएगी, की जाएगी, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा ये कहा गया है अनुच्छेद में कि भैया राज्यपाल के द्वारा सिंपल सा कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अब यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री पहली बात तो किसको बनाएगा, राज्यपाल अपनी मर्जी से बना देगा क्या, वो भी हम देख लेंगे। और दूसरी बात, क्या विधानसभा के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, हम वो भी देख लेंगे। सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं साहब, ठीक है राज्यपाल नियुक्ति तो कर देगा, लेकिन वो नियुक्ति कैसे करेगा साहब, कैसे करेगा और किसकी करेगा, कैसे और किसकी। देखिए अगर आप क्वेश्चन लगा के अपने दिमाग से क्वेश्चन लगा के बोल सोचेंगे ना, तब आपको ऑटोमेटिकली अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम पढ़ते हैं ना तो हम क्या लाइन रट्टा मार के पढ़ लेते हैं, रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है क्वेश्चन क्रिएट करने हैं कि राज्यपाल की अच्छा नियुक्ति, पहली बात तो नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल क्यों करेगा और कैसे करेगा और किस लिए करेगा, सारे के सारे क्वेश्चन बनाओ। पहले क्वेश्चन क्यों पूछो, क्यों करेगा भाई, ठीक है, फिर बताओ कैसे करेगा और किसकी करेगा, ठीक है, और उसके आंसर अपने को याद करने हैं। अगर इस तरह से पढ़ेंगे ना वैसे याद आ जाएंगे अपने को। महेंद्र जी गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो कैसे और किसकी करेगा, देखिएगा कैसे करेगा और किसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान रखिएगा आप, सबसे पहले जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसको सीएम बनाया जाएगा, उसको बहुमत का मतलब समझते हैं, उसको सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति उसकी की जाएगी, ठीक है। बहुमत जैसे कि मान लीजिए 100 सीटें हैं, जिसको 51 सीट मिल गई, ठीक है, जिसको इलेक्शन में 51 सीटें मिल गई तो उसके बाद बहुमत हो गया, तो उसको जो पार्टी का लीडर होगा उसका, उसको अपन क्या कर देंगे, बहुमत प्राप्त दल का नेता मानकर उसको सीएम बना दिया जाएगा। अब ये भाई नेता कौन होगा ये पार्टी डिसाइड करती है, ये हमें मतलब नहीं है, ठीक है, बात करेंगे तो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसको सीएम बना दिया जाएगा, या फिर क्या हो जाता है किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में देखने को मिला, दिल्ली में देखने को ऐसा मिला था, दिल्ली में भी आपको देखने को मिला था। तो अगर मान लीजिए किसी के पार्टी को
अपने पास बहुमत नहीं मिला है, तो राज्य राज्यपाल क्या करेगा, अपने विवेकाधिकार से लिखेगा, अपने विवेकाधिकार से, अपने विवेकाधिकार से सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बहुमत नहीं बोला है मैंने यहाँ पे, सबसे बड़ी पार्टी मतलब तात्पर्य यह है, तात्पर्य है कि जैसे 100 सीटें हैं, मान लीजिए 100 सीटें हैं, किसी को बहुमत नहीं मिला है, एक पार्टी को अपने पास 40 सीट मिली है, एक पार्टी को अपने पास 45 सीट मिली है, टोटल कितना हो गया देखिए 85, तो और एक पार्टी को 15 सीट मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुमत किसी को भी अपने पास में मिला नहीं है, लेकिन अगर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर उभर कर कौन सी आई है अपने पास में, जिसके पास 45 सीट हैं, ठीक है। तो राज्यपाल करेगा 45 जो सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी जो 45 सीटें रखती हैं, उसके पास कहेगा कि भैया एक काम करो, तुम सीएम बना दो साहब, ठीक है, तुम सीएम बन जाओ, तुम्हारे लीडर जो भी है उसको सीएम मैं बना देता हूँ। क्या करना है आपको, एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर सदन के अंदर अपना बहुमत साबित करना है, बस इतना काम करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे अपने विवेकाधिकार से सबसे बड़ी पार्टी या पार्टी समूह, लिखिएगा पार्टी समूह के नेता को सीएम बना देगा, नेता को सीएम बना देगा। इसमें नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, उसको लिखेगा, उसको एक महीने के भीतर, एक महीने के भीतर, एक महीने के भीतर सदन में बहुमत साबित करना पड़ेगा साहब, सदन में बहुमत साबित करना पड़ेगा साहब, ध्यान रखिए साबित करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आज तो आग लगा दी विधानसभा चुनाव में, बहुत बहुमत दल के नेता को ये भी बोल सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल सही है, नेता मैं बताता रहा हूँ, नेता वो आपस में चुनते हैं, उनका लीडर जो होता है वो आपस में चुनता है, कांग्रेस जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस है बीजेपी है, ठीक है, तो उनको भी बहुमत मिल चुका है, अब वो डिसाइड करते हैं कि हमारा नेता कौन है, सीएम किसको बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे देखेंगे अपन जो बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं आप। बात करते हैं यहाँ पे, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये चीज़ें तो बहुत अच्छी है, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ना कि बहुमत दल के पे जो बहुमत मिलेगा जिसको, उसके नेता को अपने को सीएम बना दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो राज्यपाल क्या करेगा, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, पार्टी का समूह है, उसके नेता को क्या सीएम बना देगा, और उनसे कहेगा कि चलो ठीक है आपके पास में अभी तक 45 सीट है, अभी तक 45 सीट है, तो आपको बहुमत के लिए कितनी चाहिए, 6 सीट और चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको एक महीने का टाइम देता हूँ मैं, कितना, एक महीने का टाइम देता हूँ कि सदन के भीतर आप क्या करो, अच्छा क्लास में धुआं धुआं हो गया, ठीक है धन्यवाद। बात करते हैं यहाँ पे, एक महीने के भीतर सदन में बहुमत साबित करना पड़ेगा उनको, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक महीने के अंदर, ये है ना एक महीने के अंदर, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती करते हैं, एक महीने के अंदर, एक महीने के भीतर उनको क्या करना साबित करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार डाल के आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता लग गया कि भैया सीएम बनने के लिए, ठीक है, सीएम बनने के लिए बहुमत की आवश्यकता फिलहाल तो अभी नहीं है, एक महीने तक तो एटलीस्ट आपको नहीं है, एक महीने के बाद आपको मतलब बहुमत बताना पड़ेगा, अपना सदन में रखना पड़ेगा। थोड़ा आगे बात करते हैं, देखिए आपने काफ़ी बात सुना होगा, लेकिन ऐसा क्या हर बार पालन होता है, तो ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा फ्लोर टेस्ट होते रहते हैं, क्या कहते हैं फ्लोर टेस्ट में गवर्नमेंट फेल हो गई, फ्लोर टेस्ट में फलाना क्लास को शेयर करो, बिल्कुल महेंद्र जी, फ्लोर टेस्ट में फलाना गवर्नमेंट अपने पास में फेल हो गई, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती है, ऐसे तरह जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर रिसेंटली भी देखा गया था कि वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस को क्या कर दिया गया, सीएम बना दिया, जबकि वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, वहाँ पे शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि राज्यपाल जी कभी कभी अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर लेते हैं, तो वहाँ से समस्या देखने को मिल जाती है। देखिए आपने बताया वहाँ पे साफ लिखा हुआ है सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन अब इसी प्रकार क्या हुआ, दिल्ली में जब इलेक्शंस हुए थे तो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो उभर कर आई सबसे बड़ी अपने पास में पार्टी के रूप में, तो वहाँ पर भी उनको क्या नहीं बनाया गया था सीएम, ध्यान रखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, देखिए ठीक है। तो काफ़ी सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, वो देखने ही पड़ते हैं अपने को। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं अपन सीएम के बारे में, थोड़ा और आगे बात करेंगे, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, ठीक है, और आगे बात करेंगे, सारी की सारी मैं बता चुका हूँ आपको। अब क्या सीएम, देखिएगा क्या किसी विधानसभा के सदस्य को ही सीएम बनाया जा सकता है, तो वो भी लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है लिखेंगे, जो व्यक्ति विधानमंडल के, जो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है राज्यपाल द्वारा उसको
मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वह 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी सदस्य का, विधानमंडल के लिखेंगे, विधानमंडल के किसी, विधानमंडल के किसी सदन का, सदन की सदस्यता ले ले, सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन ग्रहण, इसलिए मैंने आपको 4 लाइन पूरा अच्छे से लिखा है, कर ले। देखिए समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इसका तात्पर्य, कहने का तात्पर्य यह है सिंपल सा कि भैया जरूरी नहीं है, क्या बनाया जा सकता है क्या? गुरु जी क्लास को शेयर करो, क्या बनाए तिवारी जी, क्या बनाया जा सकता है? आपने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है सर। 6 महीने के अंदर सदस्य था, बिल्कुल बिल्कुल वही मैंने यहाँ पर लिखा है, 6 माह के भीतर उसको विधानमंडल में किसी सदन। अब देखिए विधानमंडल क्या होता है, कई कई राज्यों के अंदर दो, विधानमंडल के अंदर दो सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, एक तो अपने पास होता है विधानसभा, विधानसभा, और दूसरी देखने को मिलती है अपने पास में विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। बेसिकली इसमें दो सदन देखने को मिलते हैं अपने को, विधानसभा और विधान परिषद। तिवारी जी आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने 6 महीने के अंदर से अपने सदस्य साबित करना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो वे किसी भी अगर देखेंगे जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, अपने पास राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा उसको भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्त है कि उसको 6 माह के भीतर, उसको 6 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा कि 6 महीने, 6 माह के भीतर आप विधानमंडल, जो भी राज्य के अंदर विधानमंडल है उसमें, या फिर विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, या फिर उसमें 6 महीने के अंदर या तो विधानसभा का सदस्य बन जाओ या विधान परिषद का सदस्य बन जाओ, ध्यान रखिएगा, इसे सदस्य बन जाओ या तो, या फिर विधान परिषद सदस्य बन जाओ, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत अपने पास में इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अब इसे देखेंगे भैया मुख्यमंत्री के बेसिक से अपन पावर्स देखेंगे, क्या क्या पावर्स इसके पास में होल्ड करता है वो भी देखेंगे अपन। देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा ही, जो अन्य मंत्री होती हैं उनके विभागों का बंटवारा किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसका जो बंटवारा किया जाता है उसका आदेश कौन जारी करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत सारे सारे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री कार्य करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि भैया अगर राज्यपाल चाहे वो कभी भी हटा सकता है, ऐसा नहीं है। जब तक उनके पास बहुमत रहेगा तब तक उन्हें कोई नहीं हटा सकता, ध्यान रखिएगा, जब तक उनके पास बहुमत रहेगा कोई नहीं उन्हें हटा सकता है। जब तक उनके पास में बहुमत रहेगा उन्हें कोई हटा नहीं सकता। तो लिखेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री राज्यपाल, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तात्पर्य यह है, इससे प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य यह है कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता, कि राज्यपाल जब चाहे उन्हें हटा दे। गुरुजी इनमें अंतर क्या होता है? विधानसभा विषय में थोड़ा पता देखिए, बिल्कुल देखो विधानसभा होती है वो अपने पास में, जो अपने पास डायरेक्ट जो इलेक्शंस होते हैं उसके द्वारा बनाई गई होती है, देखिए विधानसभा, और विधान परिषद होती है वो अपने पास में किसी भी राज्य के अंदर 1/3 जो अपने पास में विधानसभा की सीटें होती है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको लोग विधानसभा, और थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैंने इसमें, फिर क्या अपना पास टाइम लग जाएगा आगे भी हमें क्वेश्चन करने। थोड़ा विधानसभा और विधान परिषद, सॉरी विधान परिषद, देखिए विधान परिषद क्या होते हैं, अपने पास में डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, लोगों के द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं वहाँ पर, इसमें होते हैं, लेकिन यहाँ पे विधान परिषद में प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुन के नहीं आते हैं, पहली बात तो आप ये देख लीजिए। दूसरी बात हमने देखो मिलेगी इसके अंदर, मान लीजिए जितनी सीटें होती हैं, मान लीजिए 200 सीटें हैं इसके अंदर, 200 सीटें होती हैं,
तो अपने पास में विधानसभा के विधान परिषद के अंदर अगर मान लीजिए विधानसभा में 200 सीटें हैं तो विधान परिषद के अंदर उसकी एक तिहाई सीटें होंगी, 200 की एक तिहाई सीटें ही होती है, ध्यान रखिएगा 1/3 सीटें होती हैं। और इसमें नामित होते हैं अपने पास राज्यपाल के द्वारा, इसमें नामित अपने पास सदस्य होते हैं अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें अपने पास में नामित क्षेत्र केवल एक ही होता है, वो है अपने पास एंग्लो एंडो देखिए सॉरी अपने पास में सॉरी इंडो एंग्लो हाँ सॉरी एंग्लो इंडियन सॉरी एंग्लो इंडियन एक व्यक्ति होता है, वही एक नामित होता है अपने पास विधानसभा में, जबकि वहाँ पर अपने आपको राज्यपाल के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नामित व्यक्ति हो देखने को अपने को मिल जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगली बात देखिए और विधानसभा विधान परिषद में बात की, और देखिए विधान परिषद की जो अपने पास में घोषणा की जाती है वो संसद के द्वारा की जाती है, ठीक है। आपको विशेष बहुमत के द्वारा रिक्वेस्ट करनी होगी किसको, संसद को। संसद अगर चाहेगी तो वहाँ पर सामान्य बहुमत से क्या करेगी, विधानसभा विधान परिषद का क्या करेगी, निर्माण करेगी, ध्यान रखिएगा। तिवारी जो बेसिक अंतर है ना सारे सारे आपको यहाँ पर बता दिए, कभी हमको टाइम मिलेगा हम तो पूरा और डिस्कस कर लेंगे इसको अच्छे से। बेसिक अंतर क्या है, पहली बात तो विधानसभा डायरेक्ट इलेक्टेड लोगों के द्वारा होती है, ठीक है। जो यहाँ पे विधायक चुनते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं बाय पीपल, ध्यान रखिए, जबकि वहाँ पे ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। जो इसकी सदस्य संख्या होती है उसकी 1/3 अपने पास वहाँ पे विधानसभा में विधान परिषद में देखने को मिलेगी। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि भैया यहाँ पर जैसे अपने पास में राज्यपाल के द्वारा केवल एक अपने पास एंग्लो इंडियन सदस्य होता है, एक एंग्लो इंडियन सदस्य होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर अपने पास राज्यपाल के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से सदस्य आते हैं नामित होने के लिए। अगली बात और बात करते हैं आगे, और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिकली सारी ये कि यही है, ठीक है, बाकी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है सारी सारी विधानसभा विधान परिषद के अंदर अंतर, ठीक है। बेसिकली देखा जाएगा तो विधान परिषद की घोषणा कौन करता है, किसी राज्य में विधान परिषद होगी कि नहीं होगी तो ये कौन घोषणा करता है, संसद तय करती है, संसद तय करती है, ठीक है। संसद के सामान्य बहुमत से बिल पारित किया जाता है, ठीक है, तब उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण होता है, विधान परिषद का निर्माण होता है उस राज्य में, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का निर्माण होता है उस राज्य में, ठीक है। तिवारी जी इतना समझ में आ गया आपको। और बात करते हैं हम जो राज्य है, राज्य क्या करेगा विशेष बहुमत से बिल पारित करेगा और संसद को देगा, और संसद क्या करेगी, सामान्य बहुमत से बिल पारित हो जाएगा तो उस राज्य में क्या करेगी, अपने को विधान परिषद का निर्माण कर देगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब ये बेसिक से अंतर है, बाकी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो और चीज़ें पढ़ाऊंगा। देखो क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें बताने के लिए होती है लेकिन समय की हमारे पास बाध्यता होती है इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें नहीं बता पाता, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के प्रसाद पर का तात्पर्य है, इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल जब चाहे उनको उठा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है यहाँ पर कि जब तक उनके पास बहुमत पास होगा, देखिएगा जब तक मुख्यमंत्री के पास बहुमत होगा तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता। और देखिए मुख्यमंत्री क्या करता है, जितने भी मंत्री होती है उनको विभागों का बंटवारा करता है, लेकिन नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया तो ऑटोमेटिक मंत्रिमंडल जो होता है पूरा अपने पास में भंग हो जाएगा। और खास बात और देख लीजिए, मुख्यमंत्री जब चाहे जिस मंत्री से उस इस्तीफा मांग सकता है या फिर राज्यपाल को कह सकता है कि इसे बर्खास्त कर दो साहब, महेंद्र जी गुड मॉर्निंग जी, ध्यान रखिएगा। उसको विधान परिषद तो अभी तक 6 राज्यों में है ना गुरु जी, नहीं देखिए विधान परिषद अपने पास में अपने को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, अब मैं काउंट तो नहीं किया लेकिन मैं लिख देता हूँ आपको, पूरा आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, तेलंगाना में देखने को मिल जाएगी, यूपी में देखने को मिल जाएगी, अपने को बिहार में देखने को मिल जाएगी, कर्नाटक में देखने को मिल जाएगी, पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी थी दोस्तों, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे, 6 तो ये हो गए हैं, ठीक है। तो अपने पास आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और कौन सा बच रहा है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 6 से ज़्यादा हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हो सकता है इसको काउंट नहीं कर रहे होंगे, तो हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को आप काउंट नहीं कर रहे तो वो अपने पास में अभी चेंज कर दिया गया, अभी पनिशमेंट होना बाकी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे राज्य हैं जहाँ पर अपने को विधानसभा देखने को मिलती है, मैंने काउंट नहीं कर रखे हैं, लेकिन हाँ आप इनमें से आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र को भी लिख लीजिए, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो 6 से ज़्यादा हो गए, ध्यान रखें 6 से ज़्यादा है, ठीक है। करीबन आप देखेंगे 9 के आसपास हैं, ठीक है। देखिए ये सारे सारे राज्य हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, महाराष्ट्र, हाँ बिल्कुल तिवारी जी। तो यहाँ पर आपने विधानसभा देखने को मिल जाएगी, विधान परिषद देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कैसे बनती है मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता दी हमने, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर लिखेंगे बोल्ड परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका आंसर है राजस्थान। अब ये बोल्ड क्या है,
बोल्ड क्या है, तो बोल्ड का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म देखने को मिलेगा आपको बैम्बू, बैम्बू ओएसिस, बैम्बू ओएसिस ऑन, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि शुष्क क्षेत्र में बैम्बू मतलब बांस उगाने के लिए इसको योजना को लाया जाए और राजस्थान के अंदर इसको बेसिकली लाया जाए। अतः क्यों लाया गया है, तो बेसिकली आप देखेंगे जो राजस्थान के जो आदिवासी है, जो राजस्थान के आदिवासी है, आदिवासी है, पहली बात तो उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए, आजीविका बढ़ाने के लिए, और साथ ही बांस की अर्थव्यवस्था, बांस की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। तात्पर्य क्या है, जो ये आदिवासी हैं बांस की जो खेती करेंगे इससे उनकी आजीविका भी बढ़ेगी। जी गुरुजी, मैंने अपडेट नहीं हूँ लगता है मुझे, अभी तक छह दिमाग में था मेरे। हाँ देखो काफ़ी टाइम पहले मैंने पढ़ा था, मेरे को भी अभी इतना याद नहीं है, लेकिन जितने मैंने ये पढ़े सारे सारे थे इसमें, ठीक है, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश के अंदर भी था, मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं, लेकिन अपने पास जितने भी अपने पास थे ना सारे सारे यही थे, इनमें से मैंने कहीं छोड़ा नहीं है। कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार के मैंने शायद छोड़ा नहीं इसमें से। आप बाकी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, जहाँ तक ये सारे के सारे अपने पास में यहाँ पे लिस्ट कर दिए, आप लिख दिए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो आदिवासियों की जीविका के लिए और बांस की जो अर्थव्यवस्था उसको बढ़ाने के लिए लाया गया, किसको लाया गया, देखेंगे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा ये चलाई जा रही है, आयोग के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। कहाँ से, राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई है, तो लिखिएगा सबसे पहले आप राजस्थान में कहाँ, मंडवा गांव से, कहाँ पर, उदयपुर से शुरू हुई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो आप मुझे बोलेंगे MSME मंत्रालय, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। MSME का मंत्रालय है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, इसके अंदर ये आता है। तो आपको पता होगा बेसिकली चीज़ें मैंने बता दी गई है। और ये जो बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है, बैम्बू ही क्यों चुना गया है, जो बैम्बू है यही क्यों चुना गया है, इसका कारण क्या है। बैम्बू है जल्दी बड़ा हो जाता है साहब, मतलब जो बांस का जो पेड़ है वो जल्दी बड़ा होता है। और खास बात क्या है, 3 साल बाद इसको आराम से यूज में कर सकते, 3 साल बाद काट सकते हो आराम से। इससे क्या, अपने पास जो आदिवासी है उनकी जीविका डेफिनेटली क्या होगी, बढ़ेगी। और इससे खास दूसरे रीजंस भी क्या है, देखिए इसको क्या, कम पानी की आवश्यकता होती है, जो शुष्क जो अर्धशुष्क क्षेत्र वहाँ पर आराम से उगाया जा सकता है। दूसरी बात क्या है इसकी, देखिए जो अपने पास जमीन के अंदर जो वाष्पीकरण होता है, पानी जब मतलब वाष्पीकरण का तात्पर्य क्या है, पानी वाष्पीकरण बन के ऊपर उठता है, वायुमंडल में उठता है, तो वाष्पीकरण को क्या क्या काफ़ी हद तक कम कर देता है, ध्यान रखिएगा और देखिएगा। और दूसरी बात हम देखेंगे मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भी सक्सेसफुल है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा 5000 बैम्बू के पेड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, ठीक है, तो भैया इसकी स्थापना हुई थी अधिनियम के तहत में की गई है 1956, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत में क्या किया, इसकी स्थापना की गई, दैट इज कॉल्ड, इसको वैधानिक अपन निकाय बोलते हैं। देखिए वैधानिक निकाय है, मैं संवैधानिक नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, वैधानिक निकाय बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको सामान्य बिल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो यह एक वैधानिक निकाय है। और किस मंत्रालय के अंदर आता है साहब ये, अपने पास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंदर ये आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और काम क्या है, देखिए काम इसका बेसिकली है, जितने भी अपने पास में ग्राम से रिलेटेड, जितने भी अपने पास गाँव से रिलेटेड अपने पास कार्य चल रहे हैं, क्रियान्वयन योजनाएं चल रही है, बहुत सारी, ममता दीदी बंगाल, अभी ममता दीदी हैं, बिल्कुल हरी मीना जी फेसबुक से बोल रहे हैं आप, बिल्कुल बंगाल में भी ममता दीदी ही हैं, बिल्कुल बात है, देखेंगे हम। तो हम बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या बोल रहा था मैं, तो अपने पास, हाँ सॉरी,
यहाँ पे अपने बहुत बात कर रहे थे कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का कार्य क्या है। देखिए कार्य यह है कि जितनी भी अपने पास में योजनाएं चल रही हैं अलग अलग जो अपने पास अभिग्रहण है उनको क्या समन्वय कर कार्य करता है, सबको एक साथ लाता है, ध्यान रखिए सबको एक साथ ला के ये परियोजनाएं स्टार्ट करवाता है, उनका संचालन करवाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया है ये बोल्ड योजना है, आपको याद रखना राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छे से पता होती है, पता होना चाहिए कि योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है और कब चलाई जा रही है, ध्यान रखिएगा, और कहाँ से स्टार्ट किया गया है। फॉलो योर पब्लिक, बिल्कुल ठीक है, बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस किस इलाके में ड्रोन के भंडारण, किस जिले में होना चाहिए, कोई बात नहीं, किस जिले में ड्रोन के भंडारण बिक्री उपयोग व परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया, तो उसका आंसर है श्रीनगर। देखिए श्रीनगर इसका आंसर है, आपको पता था अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे जो जम्मू के अंदर एयरबेस था, एयरफोर्स का एयरबेस था, उस पर हमने ड्रोन से हमला हुआ था, देखिए, और वो ड्रोन दिक्कत पाए हम पकड़े भी नहीं गए कि वो ड्रोन कहाँ गए, कोई पता नहीं लगा, उन्होंने बम फोड़े और चले गए, हालांकि उससे किसी को डैमेज नहीं हुआ। दो हमारे सोल्जर्स थे जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स, सॉरी हमारे पास में एयरफोर्स पर्सनल्स थे, उनको थोड़ा चोट वोट आई है तो वो थोड़े अपने एडमिट थे, बाकी इससे कोई ज़्यादा खास नुकसान हुआ, लेकिन उनका मेन मोटिव क्या था, उनका मेन मोटिव था जो हमारे एयरक्राफ्ट थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वहाँ पे एयरक्राफ्ट थे, उनको नुकसान पहुँचाना था। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। देखिए आपको अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि भैया ड्रोन को उड़ाने की परमिशन कौन देता है, तो आप लिखेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA के द्वारा परमिशन दी जाती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ, लिखेगा डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सिविल, ये मैं पढ़ा चुका हूँ जब मैंने आपको पहले के क्लास में बहुत अच्छे समझाया मैंने, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा परमिशन दी जाती है ड्रोन उड़ाने के लिए, और ड्रोन के अलग अलग प्रकार होते हैं, सारे सारे आप पुराने क्लासों में जाके देख सकते हैं, मेरी क्लासों में मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं, देखिए पहला अपने पास जिला नहीं है, इससे पहले राजौरी जिला है, राजौरी, राजौरी यहाँ पर सबसे पहले बंद किया गया था ड्रोन को, तो आप देखेंगे दो जगह बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर और राजौरी, ये दोनों दोनों इलाके पूरी तरह से क्या है अपने पास यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं होगी, कोई सा भी ड्रोन हो, ठीक है, अगर मान लीजिए मनोरंजन के लिए उतारते हैं, मतलब कोई ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, पिक्चर वगैरह क्यों नहीं बनाते, तो वहाँ पर यह परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप जाके पुराने लेक्चर्स देखेंगे वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाल सैनिक रोकथाम अधिनियम, देखिए अभी रिसेंटली ये बहुत न्यूज़ में था, अधिनियम किस देश संबंधित है, ठीक है, चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट, तो यह भैया अमेरिका के द्वारा लाया गया था 2008 के अंदर, ठीक है, क्या लाया गया था अमेरिका के अंदर, चाइल्ड लिखेंगे, चाइल्ड सोल्जर, चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन, चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट 2008, देखिए ये अमेरिका के द्वारा लाया गया था बेसिकली, देखेंगे अमेरिका के द्वारा, तात्पर्य क्या है इससे समझेंगे आप, तात्पर्य क्या है, अमेरिका के द्वारा लाया गया था ये, अभी रिसेंटली अमेरिका ने ट्रैफिकिंग इन पर्सन, लिखेंगे ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ट्रैफिकिंग इन पर्सन लिस्ट, ट्रैफिकिंग इन पर्सन इंडेक्स जारी किया है साहब, इंडेक्स जारी किया है, अब इसमें क्या होता है ट्रैफिकिंग इन पर्सन इंडेक्स में क्या होता है, इनमें ऐसी विदेशी सरकारों को रखा जाता है, ऐसे देशों को रखा जाता है जो अपने अंदर, जो अपने अंदर तात्पर्य क्या है, जो सरकार के द्वारा समर्थित है सेवाएं, जैसे कि मिलिट्री हुई अपने पास, पुलिस हुई और कई प्रकार की सेवाएं होती है, उनके अंदर सरकारी समर्थित सेवाओं के अंदर बच्चों को एज ए सैनिक रिक्रूट करते हैं, उनको इस लिस्ट के अंदर रखा जाता है, तो अभी 14 देशों को रखा गया है, 14 देशों को रखा गया है, और ख़ास बात है उसमें पाकिस्तान भी है साहब, उसमें पाकिस्तान को भी रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछ सकता है आपसे कितने देशों को रखा गया है, पहली बात तो ये पूछ लेगा आपको चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट 2018 किस देश से संबंधित है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि भैया ये अमेरिका से संबंधित है, और कार्य क्या है भैया इसका, तो ये क्या करता है, एक वार्षिक से एनुअली लिखेंगे, वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट जारी करता है, एक इंडेक्स जारी करता है, वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, इसका नाम है ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ठीक है, इसमें क्या होता है ऐसे देशों को शामिल किया जाता है, ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जो अपनी सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में, जैसे कि मिलिट्री हुई, अपने पास पुलिस हुआ, और भी कई प्रकार की सेवाएं हैं, ठीक है, उनके अंदर बच्चों को रिक्रूट करते हैं, या फिर देखिए फ्रंट वॉर चल रहा है, मान लीजिए युद्ध चल रहा है फ्रंट किसी के साथ में, तो युद्ध के जो अपने पास में करंट जो एरिया है उसमें बच्चों को भेज देंगे, तो देखिए बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें हैं, देखिए वो बच्चा किसको माना जाता है, देखिए 18 वर्ष जो भी कम है उनको सबको बच्चा ही माना जाता है, मतलब उनको चाइल्ड माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा आगे बात करते हैं इसके बारे में, हम तो इस एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, अब इसका नाम है लिखेगा चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट 2008, पहली बात
किससे संबंधित है लिखेंगे अपन, सबसे पहले अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका में आया गया था, लिखेंगे अमेरिका, अमेरिका से संबंधित है। तात्पर्य क्या है, यह क्या करता है अपने पास में, वार्षिक रूप से, वार्षिक रूप से रिपोर्ट जारी करता है, उसका नाम अपने पास में ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग इन पर्संस, ट्रैफिकिंग इन पर्सन जारी करता है। इसमें क्या होता है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, देखिए ऐसे देशों की सूची लिखेंगे, ऐसे देशों की सूची जो सरकारी समर्थन प्राप्त, सरकारी समर्थन प्राप्त सेना, पुलिस व अन्य सेवाओं में, व अन्य सेवाओं में बालकों या बच्चों, लिखेंगे बच्चों की, अन्य सेवाओं में बच्चों की नियुक्ति करता है, साहब नियुक्ति करता है, या फिर बाल सैनिकों की, बच्चों की लिख लीजिए या फिर बाल सैनिकों की लिखेंगे, बाल सैनिकों की नियुक्ति करता है, बाल सैनिकों की नियुक्ति करता है। ऐसे देशों की सूची जिसमें सरकारी समर्थन प्राप्त सेना, पुलिस व अन्य सेवाओं में बच्चे या बाल सैनिकों की नियुक्ति करते हैं, उनको रखा जाता है, उनको रखा जाता है, देखिए उनको रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा सकता है किसान, ठीक है। तो अभी जो देखेंगे, अभी देखेंगे तो इसमें 14 देश शामिल है और पाकिस्तान का भी नाम है, 14 देश प्लस पाकिस्तान लिखेंगे, इसमें 14 कंट्रीज प्लस पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान का नाम भी इसमें ऐड किया गया है। आप मुझसे पूछेंगे कि साहब इसमें कोई नाम ऐड करने से कोई फ़ायदा भी है क्या, तो बिल्कुल है, ठीक है। जिन जिन देशों का इसमें नाम आ चुका है, जैसे कि मैं सीरिया हुआ, अफगानिस्तान हुआ, देखिए इसमें एग्जाम्पल में बहुत खतरनाक खतरनाक देश हैं, सीरिया जैसे देश हैं, पाकिस्तान अपने पास, अफगानिस्तान देश हैं, जहाँ पर अपने नाइजीरिया, इस प्रकार से आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी आतंकवादी संगठन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। देखिए ये सोल्जर्स हैं बच्चे, ये बाल सैनिक कहलाते हैं साहब, बाल सैनिक हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात हम बात करते हैं साहब, ये बाल सैनिक होते कौन है साहब, बाल सैनिक क्या है, ये भी आप लिख लीजिए, बाल सैनिक किसको माना जाएगा, बाल सैनिक, बाल सैनिक के अंदर वो बच्चे काउंट किए जाएंगे, वो बालक काउंट किए जाएंगे जो 18 वर्ष से कम उम्र के होंगे, 18 वर्ष से कम उम्र के होंगे, कम उम्र के, ठीक है, उनको काउंट बाल सैनिक के रूप में काउंट किया जाएगा। देखिए अब तात्पर्य नहीं कि इनके हाथ में बंदूक भी दे, मान लीजिए इनके अंदर मिलिट्री के अंदर इनको अपने पास में संदेश वाहक के रूप में यूज़ में ले लिया, और अन्य कार्य के जैसे कुक के रूप में यूज़ में ले लिया, इनके अगर इन कार्यों के अलावा भी कुछ भी सफाई वाले के रूप में ले लिया, तो उनको भी उनका बाल सैनिक ही माना जाएगा। बात करते हैं अब इनसे कोई फ़ायदा भी है क्या, अभी लिस्ट निकालता है तो बिल्कुल, अमेरिका कहता है कि भैया ऐसे जो अपने पास में देश हैं जो हमारी इस लिस्ट के अंदर हैं, हम उनको किसी प्रकार के सैन्य उपकरण की सहायता नहीं देंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता नहीं मिलेगी और सैन्य उपकरण की सहायता नहीं मिलेगी, उसके बाद जो लाइसेंस होते हैं, जो सैन्य हथियार होते हैं उनकी जो बिक्री होती है, लाइसेंस होते हैं, उनको रद्द कर दिया जाएगा साहब, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखिए उम्र, देखिए इनकी उम्र, देखिए 10 साल का भी नहीं होंगे और इनके हाथ में देखिए आज तक खतरनाक खतरनाक गन लेके बैठे हैं, क्या पता इससे किसी को भी, देखिए कितना। और आप अफ्रीका कंट्री में देखेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो वहाँ पर बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप है, बहुत सारे अपने वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वहाँ पर के बच्चों का रिक्रूटमेंट किया जाता है, बच्चों का रिक्रूटमेंट भी किया जाता है, ठीक है। थोड़ा हम बात करेंगे, देखिए बोको हराम के बारे में शायद आपको मैंने नहीं बताया होगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं उसको भी बताऊंगा आपको, वहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर मिलिटेंट ग्रुप है, सारी सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर अगला बात देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमने देख लिया है बाल श्रमिक, बाल सैनिक कौन होता है वो हमने देख लिया, तो इसका आंसर मतलब हमारे पास में अमेरिका, इसका आंसर था अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अब पाकिस्तान इसमें शामिल है, अगला देखेंगे अपन इस्तांबुल अभिसमय, देखिए इस्तांबुल अभिसमय या इस्तांबुल कन्वेंशन संबंधित है, तो इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण से, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने से, मानव तस्करी को रोकने से, और इनमें से कोई, तो इसका आंसर जो है वो है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, कि हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस्तांबुल अभिसमय, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। पहले हम देखेंगे कि साहब ये जो इस्तांबुल है वो कहाँ स्थित है, देखेंगे, देखिए जो तुर्की, जो तुर्की है उसके अंदर इस्तांबुल स्थित है, पहली बात तो ये देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या है, अभी न्यूज़ में क्यों है ये, न्यूज़ में इसलिए है कि तुर्की ने अपने आप को इस अभिसमय से, इस कन्वेंशन से दूर
कर लिया है, इस कन्वेंशन से दूर कर लिया है, दैट्स वाई अपने पास में न्यूज़ में था सब, ठीक है। इतना आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने आपको सीस नोट्स पढ़ाया था, ठीक है। सीस नोट क्या होता है मुझे आप बताएंगे कमेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी आपको सीस नोट पढ़ाया था। सीस नोट और कहाँ देखने को मिला था हमें, तुर्की के किनारे पे देखने को मिला था। देखिए मुझे याद आ गया यहाँ पे, सीस नोट क्या होता है मुझे कमेंट में बताइए, सीस नोट क्या होता है, और रिसेंटली हमें तुर्की में देखने को मिला था ये, तो मैंने खैर आप बोल ही दिया है तो आपको पता लग ही गया होगा। तो तुर्की के किनारे पे हमें सीस नोट देखने को मिला था, मुझे बताएंगे कि सीस नोट क्या होता है कमेंट के अंदर, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब ये तुर्की कहाँ स्थित है तो आपको साफ दिख जाएगा यहाँ पे, ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर अपने पास ब्लैक सी है, यहीं पर अपने को तुर्की मिल जाएगा। तो थोड़ा और जूम इन करेंगे तो आपको तुर्की की लोकेशन कुछ इस प्रकार मिलेगी। यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलेगा अपने को, यहाँ पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको अपना पूरा का पूरा अपने पास पश्चिमी एशिया वाला कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं साहब तुर्की की, तुर्की आपको दिख रहा है तो यहाँ पर इसके उत्तर में ब्लैक सी है, जो भी अभी चर्चा में रहा था ब्लैक सी अभी चर्चा में क्यों रहा था, देखिए अभी क्या हुआ था। रिसेंटली रूस के द्वारा इंग्लैंड के जहाज पर बमबारी की गई थी, देखिए जहाज के ऊपर बमबारी नहीं की गई थी, आसपास बमबारी की गई थी, ठीक है। उसको यह बताया गया था कि भैया ये हमारा क्षेत्र है, आप यहाँ पे मत आओ साहब, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक सी चर्चा में रहा था। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक सी है, ये अपने पास में ब्लैक सी है, और देखिए इस तरह से अगर कनेक्ट करना है ना तब मज़ा आएगा, क्योंकि आपका जो मैं आपको नई चीज़ें पढ़ाते रहूँगा आप चीज़ें भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए आपको पुरानी चीज़ों को मैं हैंड टू हैंड रिवाइज करवाता हूँ। अगर मैप में कुछ नई चीज़ आती है ना तो तुरंत वैसे थे तुर्की का नाम आया, मैं तुरंत आपको सीस नोट बता दिया कि सीस नोट क्या है। आप मुझे बताएंगे कमेंट में सीस नोट क्या होता है, मैंने पूरा का पूरा समझाया सीस नोट के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ब्लैक सी है, ब्लैक सी और यहाँ पे एजेंसी है, इस जगह पर अपने पास एजेंसी मिल जाएगा, एजेंसी, ठीक है। इसको आपस में जो कनेक्ट कर रहे हैं, छोटा सा आपको दिख रहा है ये अपने पास में सी ऑफ मरमरा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से, सी ऑफ मरमरा क्या करता है अपने पास में, ब्लैक सी और एजियन सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। एजियन सी किसका पार्ट है कि मेडिटेरेनियन सी देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, उसके आगे हमें छोटा सा देखेगा तो यहाँ पे अपने पास एजियन सी मिल जाएगा, ठीक है, एजियन सी मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक सी और एजेंसी को कौन सा कनेक्ट कर रहा है तो आप बोलेंगे सी ऑफ मरमरा कनेक्ट कर रहा है। छोटी छोटी सी बात है दोस्तों, कितनी छोटी छोटी बात, लेकिन ये क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं उन्हें पता भी नहीं लगता, ठीक है। तुर्की की बात करेंगे कि किसके साथ सीमा बनाता है, थोड़ा सा देख लीजिए आप तुर्की की बात देखेंगे, ये तो हमने देख लिया कि भैया ब्लैक सी और किस किस उसको बनाया, तुर्की किसके साथ सीमा बनाता है देखेंगे, सीरिया के साथ सीमा बनाता है, दूसरा इराक के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, तीसरा ईरान के साथ सीमा बनाता है, आर्मेनिया के साथ सीमा बनाता है, चौथा पांचवा जॉर्जिया के साथ सीमा बनाता है, छठा अपने पास में रूस के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। और आगे बात करेंगे, और सॉरी यहाँ पे रूस के साथ सीमा नहीं बनाता है, सॉरी जॉर्जिया के साथ सीमा बनाता है अपने पास में, और अपने पास में किसी साथ में आर्मेनिया के साथ सीमा बनाता है, लेकिन अपने पास रूस का सीमा नहीं बनाता। आगे बात करते हैं किस साथ सीमा बनाता है, बुल्गारिया के साथ में, छठा बुल्गारिया के साथ सीमा बनाएगा अपने साथ में, और किस साथ में ग्रीस के साथ सीमा बनाता है, देखिए ये सात कंट्री के साथ में क्या सीमा बनाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और देखेंगे ब्लैक सी और एजियन सी को कनेक्ट कौन सा सी ऑफ मरमरा कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा गया। अब बात करते हैं साहब इसकी, चलो ठीक है, ये तो कुछ बात है। इस्तांबुल अभिसमय न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में भी इसलिए था क्योंकि जो तुर्की ने इसको क्या खुद से अलग कर दिया है, देखिए हाल ही में लिखेंगे तुर्की ने खुद को इससे अलग कर दिया, बाहर निकल गया, मतलब इससे अलग या लिखेंगे बाहर हो गया वो। और ख़ास बात क्या है आपको देखने को मिलेगी, देखिए 2011 के अंदर तुर्की के द्वारा ही इसको सर्वप्रथम लाया गया था। और बात करेंगे अपन 8 मार्च 2012 को इन्होंने लागू भी कर दिया था, 8 मार्च 2012 को, देखिए 8 मार्च को क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है, उस दिन इन्होंने क्या कर दिया था, इसको लागू भी कर दिया था अपने देश के अंदर, घरेलू कानूनों में इसको ऐड कर दिया था, लेकिन रिसेंटली क्या कर दिया इन्होंने, इसको हटा दिया है। अब ये इस्तांबुल अभी समय है क्या, देखिए तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा
हिंसा को रोकने के लिए, रोकथाम, हिंसा के रोकथाम, रोकथाम के लिए यह लाया गया है। देखिए हिंसा का तात्पर्य यह है, नॉर्मल अपन मारपीट करते हैं वो तो ठीक है, वो हिंसा है। इसके अलावा क्या है अपने पास में, अपने पास में अपने घरेलू हिंसा देखने को मिल जाएगी। इवन जो बलात्कार है उसमें भी, इस बलात्कार को भी इसमें काउंट किया गया है, यौन उत्पीड़न को भी इसके अंदर काउंट किया गया है, ठीक है। अपने पास मानसिक जो उत्पीड़न था उसको भी इसमें काउंट किया गया। काफ़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है इसकी, ध्यान की केवल हिंसा तक सीमित नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें ऐड की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो उसी पर क्या है, तुर्की के द्वारा लाया गया था, तुर्की के द्वारा इसमें अलग हो गया था, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें कितने मेंबर्स थे, तो आप देखेंगे इसके अंदर करीबन अपने पास में 46 मेंबर्स के प्लस मिलेंगे, 46 मेंबर्स मिलेंगे प्लस यूरोपियन यूनियन के सदस्य मिलेंगे साहब, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। किसमें, इस्तांबुल, अभी समय के अंदर आपको ये सब कुछ देखने को मिलेंगे। अब तुर्की का यहाँ पे कारण क्या था, तुर्की ने रीजन क्या दिया यहाँ पे निकलने का, उसने कहा कि भाई कारण इसका ये है, सिंपल सा कारण, क्योंकि जो ये अभी समय लेके आए हैं ना, इससे क्या हो रहा है, तलाकों को बढ़ावा मिल रहा है और हमारी जो पारंपरिक, हमारे पास पारिवारिक व्यवस्था थी वो कमज़ोर पड़ रही है, और जो LGBTQ कम्युनिटी उसको क्या बढ़ावा मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। और महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास पर्याप्त कानून है। और खास बात देखेंगे आप, खास बात ये है कि अभी आता है अपने पास में, अपने पास ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की बात करूं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, ठीक है। तो 156 देशों की सूची में तुर्की का स्थान 133वां है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है अभी यहाँ पे 2000, लेकिन हम भारत की बात करें, लगे हाथ भारत का भी लिख लीजिए, 140 बहुत पीछे, तुर्की से भी पीछे हो गए, 140वां स्थान आया है। 2020 में कितना था हमारा, 112वां था हमारा, और यहीं पे आप देखने को मिल जाएगा करीबन कितना स्थान हम पीछे हो चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा स्थान कितना है, 140वां भारत का, ठीक है इसमें। और ये जो अपने पास में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस द्वारा जारी किया जाए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर हम देख चुके, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए यह अभी समय लाया गया था, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए अगला क्वेश्चन का छोटा है तो मैं आपको बताता हूँ, हम कल तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे इसको। सीस नोट क्या है मुझे बताइएगा आप, सीस नोट क्या है, ठीक है। हाल ही में किन दो राज्यों के, ये भी कल का क्वेश्चन फिर से यहीं पर टक गया, ठीक है। कल ये क्वेश्चन लाया गया था, देखिए एक दो दिन हो चुके हैं, इस क्वेश्चन का नंबर नहीं आ रहा, इसका आंसर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कल फिर से पढ़ेंगे, कल इसको शुरू में करेंगे, सबसे आते सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप सब कल।